नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल जी के द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर मांधाता कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के ईमानदार पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना मांधाता का किया आकस्मिक निरीक्षण। तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक ने मांधाता थानाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के साथ ही थाने पर दूरदराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना, कुछ समस्याओं का किया त्वरित निस्तारण। समाधान थाना दिवस के इस अवसर पर महिला कांस्टेबल पिंकी त्रिपाठी, थानाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, एसएसआई भृगुनाथ मिश्र, एसआई ब्रह्मदेव यादव, एसआई बीएल पाल, एसआई राजेश यादव, राजस्व टीम के राजेश पांड्य, लाल बहादुर चौरसिया, बलराम सरोज, मनसाराम, लल्लूराम, शेषमनी, बृहस्पति राम एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला ब्योमरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के ईमानदार पुलिस अधीक्षक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रतापगढ़ जनपद का आमाम बोलता है, जो भी उनकी चौखट पे जाता है तत्काल मातहत को निर्देश देते हैं। आज कोतवाली मांधाता में समाधान दिवस चल रहा था, आकस्मिक आए, उनके द्वारा जो भी फरियादी थे एक एक करके समस्या सुनी गई, नव प्रार्थना पत्र समाधान दिवस में आए थे, उसमें से कुछ का मौके पर निस्तारण हुआ है, कुछ के लिए उन्होंने पुलिस की टीम, राजस्व की टीम को निर्देशित किया है, मौके पर गए हैं। जनपद प्रतापगढ़ से इंडिया न्यूज 28 पर अवनीश कुमार। सर, कोतवाली मांधाता समाधान दिवस आकस्मिक आप चेक करने के लिए आए, क्या मिला आपको सर, कितना मौके पर निस्तारण हुआ, कितने में आपने निर्देश किया है? देखिए, आज समाधान दिवस के अवसर पर यहाँ मांधाता में 9 शिकायत प्रार्थना पत्र मिले हैं, जिनका टीम का मौके पर निस्तारण किया गया है, और अभी जो राजस्व की और पुलिस की टीम है इनको संयुक्त रूप से मौके पर भेज के जो बाकी प्रकरण है उनका विधिवत